हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और फ्रेंड्स लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में लाइव प्रेडिक्शन करके हम देखेंगे कैसे आप मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिनेरियो बना है, तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फ्रेंड कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देन इस कैंडल को वेट करना है आपको। ओके ओके दोस्तों, तो ये कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब थोड़ा सा फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। प्राइस वापस रीच होती है इस लेवल तक, दिस लेवल, और अगेन वापस आप सेल कर सकते हैं दिस लेवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रोंग सपोर्ट लेवल, ये है माइनर सपोर्ट लेवल, ये क्या है स्ट्रोंग, सॉरी वापस मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। क्यों? क्योंकि ये रहा पूरा का पूरा ये सपोर्ट एरिया है, और अगेन ये क्या है, बिग बिग कैंड, बिग बिग शैडो, यानी लॉन्ग शैडो क्या होता है, वो प्रॉफिटेबल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल होता है किसी भी कैंड का लॉन्ग। जैसे ये है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये शैडो क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये क्या है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो प्राइस को वापस जाए और फिर यहाँ पर उसके बाद ड्रॉप हो, तब जाके आप सुन, और डायरेक्टली प्राइस आ रही है तो कंफर्मेशन नहीं है। ओके, जस्ट आपको वेट करना है। और आप फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये टारगेट है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल पे सेल कर सकते हैं। ये आपका क्या फ्रेंड, ये आपका टारगेट है, इस कैंडल पे आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। पर ये कोई गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था ये गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, इस कैंडल पे आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं, अभी भी इस कैंडल पे, हालांकि हमने बहुत लेट कर दिया, डायरेक्ट आप अगर इस कैंडल के एंट्री लेके आप डायरेक्ट आपको प्रॉफिट ये रख सकते हैं। ये मैं कैंडल स्टिक मैथ से बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक तरीके से कैंडल स्टिक पे कैसे वर्क कर सकते हैं, तो ये उसके हिसाब से है। ओके, ये इसके अपर साइड पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और ये एंट्री अपनी यहाँ पर हुई है, और ये कोई गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है। सिंपल में आपको प्राइस को मूव किस तरफ हो सकती है वो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ना ही मैं प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं रिस्क रिवार्ड की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, सिंपल प्राइस क्या होती है, ड्रॉप होने का चांसेस क्या है, यहाँ पर एक कैंडल और बन सकती है, दो कैंडल बन सकती है, पर मोस्टली क्या ये डबल टॉप हो गया। ठीक है, प्लस ये क्या रेजिस्टेंस लेवल, तो डबल टॉप, हाँ डबल टॉप। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया आप देखेंगे, ये रहा स्ट्रॉन्ग लेवल। ओके, ये क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल, प्राइस क्या रिजेक्ट यहाँ पर, तो डायरेक्टली प्राइस क्या होगी, इस लेवल को वो हिट करेगी। अब वो हिट करने के बाद वापस प्राइस रिजेक्ट हो, पर इस लेवल को क्या करेगी, वो हिट करेगी। ओके, तो आप ट्रेड निकाल सकते हैं कैंडल स्टिक पे, कैंडल स्टिक पर भी और चार्ट पैटर्न पर भी। पर ये कैंडल स्टिक का डबल टॉप बना था जिसकी वजह से मैंने बता दिया, तो अपन का वीडियो हो सकता है यहीं पर खत्म हो जाए, चार्ट पैटर्न में नहीं बता पाऊँ स्टूडियो में। तो सिंपल आपको जस्ट वेट करना है 36 पॉइंट को। ओके, ये कोई गुड रिस्क रिवार्ड की बात नहीं कर रहा मैं, आपको फिर से बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं ट्रेड को कैसे निकालने का मेथड है कैंडल स्टिक बेस पे वो मैं आपको बता रहा हूँ इस कैंडल पे बनने के बावजूद। ओके दोस्तों, और फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने कैंडल स्टिक पे यहाँ पर ट्रेड निकाला था, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये मेरा फॉरेक्स का अकाउंट था और मैं अभी ये दिखाता हूँ, यहाँ पर $93 का लगभग, पता नहीं कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ये रहा लगभग 20, लगभग 60-70 डॉलर के समथिंग प्रॉफिट हुआ, और लगभग $40 यहाँ पर, यानी $30 लॉस हुआ था, तो $27 लगभग $20 का प्रॉफिट है इधर। और ये फॉरेस्ट का ये अकाउंट है, और यहाँ पर एक और मैं ट्रेड निकाला था यहाँ पर $62 का, ये वही ट्रेड है जो मैं आपको कैंडलस्टिक वाला बता रहा हूँ, ये वाला, ये देखेंगे गोल्ड का है, तो $62 का ट्रेड था, एक $9 का ट्रेड था, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही जो भी मैं कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ वो ये वाली कैंडल स्टिक का। तो यहाँ पर सिंपल आप देखेंगे, ये रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये रहा ट्रेंड कंटिन्यूएशन बेरिश पिन बार कैंडल स्टिक, ये रहा सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल को टच नहीं किया इसके लोअर साइडों ने, यानी क्या है सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग, क्यों? क्योंकि प्राइस क्या ड्रॉप हुआ स्ट्रॉन्ग टू कैंडल सेलर है ना, अगेन यहाँ पर वीक सेलर यानी रिवर्सल साइन इनडिसीजन कैंडल, अगेन यहाँ पर कैंडल है ना स्ट्रॉन्ग सेलर देन कंटिन्यूएशन कैंडल, देन यहाँ पर डायरेक्टली आप कर सकते हैं इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं बेरिश पिन बार पे, और आपका टारगेट इस लेवल को हो जाता है, यानी प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल का लोअर साइड है
वो आपका टारगेट होगा। ओके दोस्तों, द ट्रेंड कॉन्टिन्यूस सेल कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक, तो कैंडलस्टिक पे भी आप वर्क कर सकते हैं, बस शर्तें आपको चीज़ों को समझना होगा फ्रेंड। और मैंने यहाँ पर स्टॉक आज मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक किया था लगभग 27 रुपये का, और बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये मेरे लिए आज। जस्ट वेट फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनने वाली है, तो बस आपको वेट करना है यहाँ पर, और सिंपल है, जस्ट वेट फ्रेंड्स, ये भी कंटिन्यू होने वाली है प्राइस। सिंपल क्या है, अभी ये रिजेक्ट रिजेक्ट क्यों हो रही है प्राइस, क्योंकि ये क्या है आपका टॉप, करेक्ट, और ये क्या है स्ट्रोंग, लॉट ऑफ सब वीक यहाँ पर देखेंगे, मल्टीपल्स वीक यानी स्ट्रोंग सपोर्ट लेवल। ओके, एक टॉप हुआ, सेकेंड टॉप क्लियर हुआ। अब ये क्या है, ये के एक डोजी टाइप कैंडल है ना, ये मतलब डोजी नहीं है, डोजी हमारी न्यूट्रल डोजी होती है, इस तरह कैंडल होती है जो ब्लैक होती है वो डोजी हम बोलते हैं, ये एक स्मॉल बेरिश कैंडल है ना, ये क्या स्मॉल बेरिश कैंडल। अब ये क्या रिजेक्ट हुआ, प्राइस के अपर साइड ऑफ ब्रेकआउट यानी क्या, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। ओके, तो जस्ट वेट, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है तो मे भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बाद देन यहाँ पर एक कैंडल या दो कैंडल बनने के बाद या एक कैंडल बनने के बाद या मतलब कभी भी प्राइस यहाँ पर आ सकती है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये है स्ट्रोंग कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। ओके, स्ट्रोंग कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यानी सेलर ये देखें ड्रॉप हुआ है, ये है स्ट्रोंग कैंडल क्लोजिंग प्राइस। जब भी यहाँ पर इसी इसी स्ट्रोंग कैंडल क्लोजिंग प्राइस से ही देखेंगे आप प्राइस क्या कर रिजेक्ट हुआ, यानी ये कैंडल आई डाउन वापस रिजेक्ट हुए, अगेन ये ग्रीन कैंडल आप देखेंगे आई डाउन उसके बाद रिजेक्ट हुए, अगेन रेड कैंडल आई यहाँ पर रिजेक्ट हुए, अगेन ये भी रेड कैंडल यहाँ पर आई रिजेक्ट हुए, यानी यही लेवल जो है यहाँ पर ग्रीन कैंडल आया वो रिजेक्ट हुआ, यानी ये वो लेवल है जहां पर जब भी प्राइस वापस आएगी तब वहां से रिजेक्ट हो सकती है या ब्रेक हो सकती है। तो इसी प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए और इस कैंडल को हमने प्रिडिक्शन किया है मार्केट को कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ओके, ये पूरा कंफर्म है, कंफर्म सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया, बस जस्ट वेट करना है फ्रेंड। और मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दे रहा हूँ, 10 मिनट का वीडियो बहुत होता है, तो सिंपल आप करेंट टाइम देखिए क्या हो रहा है। करेंट टाइम हो रहा है दोस्तों 2:19, और मार्केट कुछ यहाँ पर है, और फ्रेंड्स अगर लेवल को हिट करता है किसी भी लेवल को तो मैं वीडियो में शो करता हूँ। ओके, तो जस्ट आपको वेट करना है, वीडियो कंटिन्यू करने की वजह से ये काफ़ी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो जिसकी वजह से लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, जैसे कोई टारगेट हिट करता है या स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं आपको वीडियो शो करता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आप वेट कीजिए। तो ये प्राइस ऑलमोस्ट हिट हो गया, क्योंकि ये रहा क्लोजिंग प्राइस, तो प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है। ठीक है, तो यानी बायर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है मार्केट को, बायर सेलर पुशिंग हो रही है ना, तो ये प्रेशर को भी आप समझ सकते हैं, मैंने वीडियो में भी बताया है प्रेशर के बारे में, ये देखिए है ना, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता था ये प्रेशर हो रहा था यहाँ पर बायर सेलर का। ओके, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स, तो सिंपल आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैंडल स्टिक को भी। ओके, तो बस जस्ट आपको लर्निंग करना फ्रेंड्स, विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग, आपको लर्निंग फोकस करनी है, अगर आप सीखिए, सीखने में आपको काफी वक्त लगता है, 1 मंथ 2 मंथ लगेगा आपको, और स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा रहा और ये प्रिडिक्शन रहा नेक्स्ट कैंडल कैसे डाउन आ सकती है, कैसे रीच कर सकते हैं अपने टारगेट, तो ऑलमोस्ट ये अपने टारगेट हिट कर दिया, और हो सकता है कि थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल में ये टारगेट हिट हो, क्योंकि ये लेवल तो यही है, पर प्राइस ने क्या किया, रीच कर दिया है, क्योंकि मोस्टली ओपनिंग क्लोजिंग का प्राइस है यहाँ से लेवल चल रही थी, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर बायर पुश कर चुकी है मार्केट, तो बायर क्या रिजेक्ट हो चुका है फर्स्ट टाइम है ना, तो सेकंड टाइम सेल इंटर भी हो सकता है और सेकंड टाइम ऊपर भी हो सकता है ना, तो सेकंड टाइम यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा सकता, सिंपल वन कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, सेकंड टाइम यहाँ पर देखिए बायर इंटर हो रहा है। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान देना होता है फिर। ओके, जब यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पर बायर सेल चल रहा था अप डाउन, तो उसी वक्त आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ से प्राइस बायर पुश हो रहा है कि सेलर पुश हो रहा है ना,
तो वो सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं फ्रेंड, आपको डीपली आपको समझना पड़ेगा किसी भी कर्ण पे स्टेज करने के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर और आप चाहते हैं कैंडलस्टिक के प्रिडिक्शन के तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा मैं कि वीडियो आपको प्रिडिक्शन वाली कैंडलस्टिक की नेक्स्ट कैंडल डाउन आएगी या अप डायरेक्शन में जाएगी और उसके हिसाब से मैं प्रिडिक्शन करके आपको मैं वीडियो छोटी छोटी क्लिप की वीडियो मैं आपको अपलोड कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये मेरे कुछ कोर्सेस वगैरह का 50% डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वैलिड है सिर्फ आज 31 तारीख की यानी आज के लिए। यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था इससे पहले, ये रहा, और ये ऑफर वैलिड डेट है 27 से 31 तारीख तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज को, और सारे कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं वो 50% हो रही है। ओके दोस्तों, और इस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें आपको आपको यहाँ पर सीखने को मिल सकती हैं, जितने भी मैं यहाँ पर ट्रेड को प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर। जैसे ये फॉरेक्स का सिग्नल है, यूरो यूएसडी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये रहा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो इस तरह की चीज़ों को आपको सीखने को मिल सकता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर फिर से सेलर से इंटर हुआ था, पुश किया मार्केट को, ये देखेंगे सेम वीक से रिजेक्ट हो रही है प्राइस, है ना। तो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, यानी यहाँ पर ये क्या, ये बायर है, ठीक है। तो बायर क्या है, बायर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये क्या पूरा का पूरा क्या है, बायर जोन हो रही है, हो गया ठीक है। तो बायर बार बार पुश कर रहा है, पर सेलर अगर स्ट्रांग होगा तभी ड्रॉप होगी प्राइस, नहीं तो अदरवाइज डाउन आएगा और वापस प्राइस रिवर्स हो जाएगा थोड़ा सा, या डायरेक्टली यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप हर कैंडल के लिए हर अलग अलग साइकोलॉजी होती है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए।